नमस्कार। देश भर के अंदर और दिल्ली में भी कोविड का प्रकोप पिछले कुछ दिनों से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हम उसको बोलते हैं, जो कि आपने 100 टेस्ट किए उसमें से कितने प्रतिशत पॉजिटिव निकले, वो 1% से भी कम थी 15 दिसंबर के आसपास। आज अगर हम 15 जनवरी की बात करें तो वो 30% से ऊपर हो चुकी है। और पूरे देश के अंदर अमूमन यही हाल है। पूरे देश की अगर पॉजिटिविटी देखें तो 15% से ज्यादा है, बहुत बड़ी है। कोई भी पॉजिटिविटी 5% से ज्यादा हो तो उसको हम ये मानते हैं कि ये एपिडेमिक जो है भयंकर रूप के अंदर पूरे देश के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर फैल रहा है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जुकाम खांसी गला, ये अमूमन इसके अंदर कंप्लेंट्स आ रही है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने विदेश जाना है, ट्रेवल कराना है, तब भी उसके बावजूद जब वो टेस्ट कराने जाते हैं तो करीब 15-20% उनका पॉजिटिव आ रहा है। या आप हॉस्पिटल में किसी और बीमारी के लिए जा रहे हो, ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, तो वहां टेस्ट करके पता लगता है कि आप पॉजिटिव पाए गए। तो ये बहुत ही गंभीर साइंस हैं इस चीज के। तो इसका मतलब ये मान के चले कि बीमारी हवा में है दिल्ली के, और इसके ऊपर सरकारों ने पूरा संयम से काम किया अभी तक, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि रोजी रोटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि बीमारी पे कंट्रोल करना है। और पिछले 2 लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि बहुत लोगों को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, तो गवर्नमेंट बड़ा एक ठोक ठोक कर सूझबूझ के साथ कदम उठा रही है। सख्ती की जरूरत जरूर है। सख्ती यानी कि आप ट्रेवल कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, तो मास्क होना चाहिए, मास्क का चलान सख्ती से होना चाहिए, भीड़ नहीं लगनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे कि 20 लोग शादी पे रहो ना तो 20 ही होने चाहिए, ये नहीं कि आप उसका उल्लंघन करते रहे और तब भी सरकार कुछ ना करे। और जो भी सरकार कर रही है आपके फायदे कर रही है। और किसी भी दुकान में जाए उसका अपना आपका टेम्परेचर चेक होना चाहिए, आपका अपना मास्क ठीक होना चाहिए, उसी प्रकार से दुकानदारों का भी होना चाहिए। और ट्रेवल करने वाले एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे जितने लोग हैं वो अपनी अपना सेफ्टी खुद रखते हुए मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और उसके साथ साथ डिस्टेंसिंग बनाकर करें, तो मुझे लगता है कि हम बीमारी को रोक सकते हैं, विजयी होंगे। और इसमें एक बात और भी है कि अभी तक बहुत ज्यादा लोगों में फेफड़ों के सिम्टम्स नहीं आ रहे जो कि डेल्टा वेव के अंदर पिछली बार मिले, तो उस नाते बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं। बेसिक दवाई लें और कोई सिम्टम्स हो जो बिल्कुल ज्यादा तेज बुखार हो, ज्यादा उल्टियां हो, ज्यादा एकदम आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। सबसे बड़ी बात यह कि वैक्सीन लगना अत्यंत आवश्यक है। 15 साल से हर बड़ा व्यक्ति इंजेक्शन लगवाएगा तभी हम सेफ रह पाएंगे। धन्यवाद।